घुमारवी अस्पताल को 100 बिस्तर का दर्जा कुछ दिनों पहले ही दिया गया था और जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां से 50 बिस्तरों को हटा दिया गया और वार्ड में ताला लगा दिया गया था। जब इस संदर्भ में अस्पताल के अधिकारियों से पूछा गया तो आनन फानन में महिला तथा पुरुष वार्ड में 9 बिस्तर लगा दिए गए। उल्लेखनीय बात यह है कि जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री ने घुमारवी अस्पताल को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर कर उद्घाटन किया गया था, उस दिन महिला और पुरुष वार्ड में बिस्तर लगाए गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां से बिस्तरों को हटा दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि मंत्री को सिर्फ खुश करने के लिए और दिखाने के लिए जो बिस्तर जिला अस्पताल से लाए गए हैं उन्हें वापस क्यों किया गया है, और वार्डों में मिलने वाली सुविधा से भी लोग वंचित रह रहे हैं तो दिखावा मात्र किस लिए किया गया है। वहीं इस संदर्भ में कांग्रेस के पूर्व CPS व पूर्व विधायक घुमारवी के राजेश धर्मानी ने प्रदेश सरकार व घुमारवी के विधायक पर हमला करते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए अस्पताल में 100 बिस्तरों का उद्घाटन करवाया गया जो कि घुमारवी की जनता के साथ ढोंग रचा रहा है और अपनी वाहवाही लूटने के लिए झूठे उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक वहां पर डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को भी नहीं भरा गया है। बिलासपुर CMO से जब बात की गई तो उन्होंने बिस्तरों के लगे होने की बात कही और उन्होंने कहा अगर ऐसा मामला है तो BMO को बोलकर वहां पर बिस्तरों की कमी को पूरा करवाया जाएगा। लाइफ जो है वो पुराने बेड जो है उनको यहाँ से उठाया और बिलासपुर ले जाया गया। ना तो कोई यहाँ पे नया डॉक्टर आया, ना कोई और एडिशनल फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को मिली। अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद है। यहाँ पे देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे तब भी वो चली नहीं। जब अब घुमारवी के यहाँ से हमारे विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, यहाँ पे सरकार भाजपा की है, दिल्ली में सरकार भाजपा की है, लेकिन घुमारवी को इसके नाम पे कुछ नहीं मिला। नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे हमें उम्मीद थी, मैं जाके उनसे स्वयं भी मिला था कि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो स्वीकृत करने का हमने निवेदन किया था, लेकिन चलो मैं तो विपक्ष का विधायक था, लेकिन जो यहाँ से भाजपा के विधायक बने वो घुमारवी की लड़ाई लड़ने में जो है अपना केस जो है वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के सामने रखने में जो है विफल रहे हैं, और उन्होंने मात्र 5-7 लोगों की जेब में जो है उनको भरने का काम किया है। जो काम हमारे टाइम पे स्वीकृत हुए थे उनको रोकने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इसका दंड उनको जरूर देंगे और हम इस सरकार को फिलहाल जगाने का काम कर रहे हैं। हटाने के बारे में फिर जब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे फिर ढोल बजाओ सरकार जगाओ से ये काम शुरू होगा और बाद में ढोल बजाओ सरकार हटाओ पे जो है अगला फेज इसमें चलेगा। धन्यवाद। बात आ रही है कि बेड हटाए गए थे 50 मिनट, तो किस तरह से इस पर कार्रवाई की जा रही है? जहाँ तक घुमारवी सिविल हॉस्पिटल का संबंध है वहाँ पे जितने बेड वहाँ पे होने चाहिए उतने वहाँ पे सभी लगे हुए हैं। सर आगे भी जैसे कि अभी जो देखने में आया कि 9 बेड फिलहाल 2 फीमेल और मेल वार्ड में लगे हुए, तो आगे बेड के लिए भी आपको BMO की ओर से कुछ निर्देश दिए गए सर आपको? नहीं, अगर आप मान लो कि कहीं 2-4 बेड की कमी पेशी होगी तो है ना उसको BMO के माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा। टाइम्स TV के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स TV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।